हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल ट्रिपल फाइव यूट्यूब चैनल तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के साइंस पेपर टू के लेसन नंबर फ़ोर के बारे में दैट इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट क्या है किस तरह से एनवायरमेंट का मैनेजमेंट करना चाहिए इसके बारे में हम जानने वाले हैं तो तो चलिए इस लेसन को हम शुरू करते हैं दैट इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पेज नंबर थर्टी सिक्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक तो इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में इकोसिस्टम रिव्यू इकोसिस्टम जो कंसेप्ट थी आपको पिछले स्टैंडर्ड्स में तो उसके बारे में कुछ रिव्यू लेने वाले हैं नेक्स्ट एनवायरनमेंट एंड द इकोसिस्टम एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम में क्या रिलेशन है वो हमें देखना है थर्ड जो है एनवामेंट कंजर्वेशन एनवायरमेंट का कंजर्वेशन क्यों करना है ये भी हम देखेंगे एंड एन एन्वामेंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे एन्वामेंट मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए एंड लास्ट जो टॉपिक है दैट इज़ इट इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेंगे तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं ये अपना फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर ईको रिव्यू इको रिव्यू उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी इकोसिस्टम क्या है आपको जैसे पता है इकोसिस्टम जो है वो बनता किससे है इज़ फॉर्म्ड बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंट्रैक्शन विथ ईच अदर इकोसिस्टम जो है हमारा तो वो बायोटिक एंड अबायोटिक बायोटिक यानी कि क्या लिविंग एंड अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग लिविंग एंड नॉन लिविंग ये दोनों फैक्टर्स से बनकर क्या बनता है इन दोनों फैक्टर्स से मिलकर क्या बनता है अपना इकोसिस्टम बनता है और उसका इंट्रैक्शन हमेशा होता रहता है यानी कि ये लिविंग एंड नॉन लिविंग यानी कि बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स जो है एनवायरनमेंट में तो उनके बीच हमेशा इंट्रैक्शन रहता है गिव एंड टेक रहता है तो उससे जाकर क्या बनती है इकोसिस्टम बनती है सो ईच फैक्टर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम इसमें से हर एक फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितने बायोटिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है उतने ही अबायोटिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है उन्होंने प्रोड्यूसर्स प्लांट्स को हम क्या कहते हैं प्रोड्यूसर क्योंकि वो खुद का खाना जो है या फिर खुद का फूड जो है वो खुद बनाते हैं सो प्रोड्यूसर्स लाइक अ प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट हरव्योर्स लाइक अ डियर्स गोट शीप्स कैटल हॉर्सेस कैमल्स एक्सेट्रा फीडिंग अपॉन द प्रोड्यूसर्स आर अल्सो इम्पॉर्टेंट यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं जो ग्रीनरी हैं या फिर जो घास हैं या फिर जो प्लांट्स हैं प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंड है तो ये सारे हर्बीवोर्स डिपेंड है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि डियर है गोट है शिप है कैटल है हॉर्स है कैमल है तो ये सारे उसके ऊपर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है जो हर्बीवर्स है एंड प्रीडेटर्स लाइक अ लायन एंड टाइगर विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ द हर्बीवर्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लायन एंड टाइगर का एग्जाम्पल दिया है जैसे आपने पिछली स्टैंडर्ड्स में पड़ा है लायन एंड टाइगर जो है वो अपेक्स कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं यानी कि टॉप कंज्यूमर उन्हें कहा जाता है तो वो जो हैं ये सारे जो हर्बी वोर्स है या फिर उनके नीचे जो हार्बी ओर्स के ऊपर जो डिपेंड जो बाकी के कारनी वोर्स हैं उनको ये खाने का काम करते हैं इसकी वजह से क्या हो जाता है लायन लाइन एंड टाइगर जो है उनकी वजह से ओवर पॉपुलेशन जो है हारबी ओरस का वो नहीं होता यानी कि इनका पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में रखने का काम लायन एंड टाइगर करते हैं इस वजह से लायन एंड टाइगर्स आर आल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट सो अ क्वेश्चन में अराइज इन आवर माइंड दैट वेदर द कैटरपिलर्स फाउंड इन द नेचर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द फिलती प्लेसेस टर्माइट्स इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन द डंक आर रियली यूजफुल अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है उन्होंने कि ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं ये बाकी के एनिमल्स के बारे में तो आप कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया कि कैटरपिलर जिससे बटरफ्लाई बनता है बटरफ्लाई बनने की पहले की जो स्टेज रहती है लारवा जो रहता है सो so, उसको कैटर कहते हैं सो फाउंड इन द नेचर यानी कि एंड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फिल्टी प्लेसेस, फिल्टी यानी कि क्या डर्टी प्लेसेस, जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम जो डर्टी प्लेसेस पर प्रेजेंट रहते हैं वो टर्माइट्स टर्माइट्स जो रहते हैं जो फीड करते हैं जिसपे वुडन ऑब्जेक्ट्स पर फीड करते हैं वो टर्माइट्स देन इंसेक्ट्स जो रहते हैं अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन द डंक काउडंक में जो इंसेक्ट प्रेजेंट रहते हैं तो उनके बारे में यहाँ पर बताए हैं ये सारे जो हैं ये यूज़फुल है क्या उन्होंने बताया है इन इन्होंने यही पूछा है कि ये सारे जो कैटरपिलर है या फिर फिल्ती प्लेसेस पर प्रेजेंट रहने वाले ऑर्गेनिज़म्स है टर्माइट्स हैं इंसेक्ट हैं ये यूज़फुल है या नहीं है या फिर उनका रियल में रियल में हमें कुछ यूज़ हो रहा है सो हाउ एवर दोज ऑर्गेनिज़म्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ये ऑर्गेनिज़म्स भी सारे इम्पॉर्टेंट हैं अभी क्यों हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट दो दे आर डर्टी ये सारे ऑर्गेनिज़म हमें दिखने में डर्टी लगते हैं यानी कि गंदे लगते हैं गंदी जगह पर ये प्रेजेंट रहते हैं तो लेकिन फिर भी ये सारे ऑर्गेनिज़म जो हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लिनिंग दिनवायमेंट इनका रोल जो है एनवायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या करने के लिए हेल्प करते हैं एन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए हेल्प करते हैं ये सारे जो ऑर्गेनिज्म अभी हमने यहाँ पर जो नाम लिए कैटर पिलर हो गया यानी कि या फिर फिलती प्लेसेस पर डर्टी प्लेसेस पर जो ऑर्गेनिज़म्स मिलते हैं वो टर्माइट्स इंसेक्ट्स जो है काउडंक में प्रेजेंट रहने वाले ये क्या करते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का काम करते हैं क्लीनिंग द एन्वायरमेंट यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल इसी बात के लिए है एन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए ये सारे ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल है इट मीन्स दैट आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू दीज फैक्टर्स प्रेजेंट अराउंड अस इसका मतलब क्या है अपना जो एग्जिस्टेंस है हम जो जी रहे हैं या फिर जिन वजह से या फिर जिन एनिमल्स की वजह से हम जी रहे हैं इनका ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हमारे लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके एग्जिस्टेंस की वजह से हम यहाँ पर जी पा रहे हैं दीज फैक्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट अराउंड अस ये फैक्टर्स जो है सारे वो हमारे अराउंड जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं और उनकी वजह से जो है एनवामेंट क्लीन होने में मदद मिलती है या फिर जो बाकी के एनिमल्स हैं उनका भी कुछ ना कुछ रोल है हर एक एनिमल जो है देखिए देखिए हर एक एनिमल जो है वो नेचर में इम्पॉर्टेंट है नेचर के लिए इम्पॉर्टेंट है और उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कनेक्शंस है वो सारे ऑर्गेनिज़म्स बायोटिका बायोटिक फैक्टर्स जो हैं उनका इंट्रैक्शंस होता रहता है इस वजह से ये दोनों एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालते रहते हैं हैंस वी शुड केयर फॉर दिस फैक्टर इस वजह से हमें इन फैक्टर्स की केयर करनी चाहिए चाहे वो बायोटिक फैक्टर हो चाहे वो अबायोटिक फैक्टर्स हो इनकी केयर हमें लेनी चाहिए यहाँ पर पेज नंबर थर्टी सेवन पर आपको जो फ्लो चार्ट दिया है ये आपको फिल करना है आपके पिछले स्टैंडर्ड्स के नॉलेज के ऊपर यानी कि एट्थ स्टैंडर्ड में आपके आपको या फिर नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है इकोसिस्टम के बारे में उसके ऊपर ये प्रीवियस नॉलेज के ऊपर जो है वो फ्लो चार्ट दिया है जैसे कि यहाँ पर अबायोटिक कंपोनेंट लिखा है यहाँ पर ऑब्वियसली आप क्या लिखोगे बायोटिक कम्पोनेंट अबायोटिक में कौन से फैक्टर आते हैं यहाँ पर दिया है फिजिकल फैक्टर यहाँ पर कौन सा है वो आपको लिखना है यहाँ पर बायोटिक में कौन से आ सकते हैं ये यहाँ पर आपको लिखना है और ये टेबल फिल करना है तो तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ दैट इज़ यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है आपको पैड़ी इज़ अ कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल इन अ वेरियस स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया पैड़ी का जो फील्ड रहता है यानी कि राइस हाँ राइस की जो खेती रहती है आपने देखी होगी शायद सो राइस की खेती बहुत सारी मतलब जो है वो कहाँ पर है ये राइस जो है उगाया जाता है तो साउथ इंडिया में है लार्ज स्केल पर उसका जो है कल्टीवेशन जो है वो साउथ इंडिया में किया जाता है पैडी फील्ड्स आर द फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय द ग्रास ओपर अभी ये जो पैडी फील्ड्स रहते हैं उनके ऊपर हमेशा ग्रास ओपर जो है उनका अटैक होता रहता है सिमिलरली अभी ग्रास ओपर हैं तो उनको खाने के लिए क्या आएंगे फ्रॉग्स आएंगे वहाँ पर फ्रॉग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द लार्ज नंबर इन द मड ऑफ पैडी फील्ड जैसे कि आपको पता है ये पैडी फील्ड है तो इसके जो प्लांटेशन या फिर कल्टीवेशन जब होता है तो ये मड में लगाए जाते हैं जो प्लांटलेट्स है उसके पैड़ी के तो तब वहाँ पर ग्रास ओपर ने जग, अगर अटैक किया पैड़ी फील्ड के ऊपर तब उनको ग्रास ओपर को खाने के लिए यहाँ पर क्या आते हैं फ्रॉग्स भी आते हैं इस वजह से फ्रॉग्स भी प्रेजेंट रहते हैं पैड़ी फील्ड में या फिर उसके मड में ही वहाँ पर टू फीड अपॉन द ग्रासपर्स एंड स्नैक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर इन टू फीड अपॉन देअर फेवरेट फूड दैट इज़ फ्रॉक हाँ ग्रास ओपर्स के ऊपर फीड करने के लिए कौन रहता है यहाँ पर तो फ्रॉग्स रहते हैं टू फीड अपॉन द ग्रास ओपर लेकिन फ्रॉग्स आते हैं इस वजह से यहाँ पर स्नेक्स भी रहते हैं पैडी फील्ड में उसके मड में स्नैक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट देअर इन टू फीड अपॉन देअर फेवरेट फूड दैट इज़ फ्रॉक क्योंकि फ्रॉग को खाने वाला जो एनिमल है वो कौन सा है स्नैक है तो स्नैक्स को बहुत सारे फ्रॉग्स वहाँ पर फील्ड में उस मिल जाते हैं इस वजह से स्नैक्स भी वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं हाव एवर इफ द फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइंस ऑल ऑफ अ सडन हाँ क्या हो जाएगा अगर फ्रॉक का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाए या फिर कम हो जाए ऑब्वियसली फ्रॉक का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया तो क्या हो जाएगा पैड़ी फील्ड में जो ग्रास ऊपर अटैक कर रहे हैं ग्रास ऊपर को खाने वाला कोई नहीं रहेगा ग्रास ऊपर जो है वो पैडी फील्ड पूरा ख़त्म कर देंगे पहली बात ओके okay? और दूसरी जो साइड अगर हम देखते हैं फ्रॉक का पॉपुलेशन अगर कम हो गया तो फ्रॉक किसका फूड है तो स्नैक्स का फूड है सो स्नैक्स को वो फूड नहीं मिलेगा यानी कि स्नैक्स का नंबर जो है वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होगा तो इस तरह से हर एक जो एनिमल है दूसरे एनिमल पर डिपेंड है यानी कि उनका इंट्रैक्शन है इस वजह से हर एक जो है वो फूड की चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी एक भी एलिमेंट इसका या फिर एक भी एनिमल जो है इस फूड चेन का अगर कम हो जाता है या फिर उसका पॉपुलेशन कम हो जाता है या फिर वो स्पेसिस ख़त्म हो जाती है तो उसका सारा इम्पैक्ट जो है वो एनवायरमेंट पर होता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम के बीच में क्या रिलेशनशिप है अभी एनवायरमेंट जो है इट इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट आपको यहाँ पर एम सी क्यू के लिए क्वेश्चन आता है डैश इज अ ब्रॉड कंसेप्ट सो एनवायरनमेंट, आंसर क्या लिखना है आपको एनवायरमेंट एनवायरमेंट जो है वो क्या है ब्रॉड कंसेप्ट है फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनवामेंट यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिए हैं यानी कि कौन कौन से फैक्टर फिजिकल फैक्टर केमिकल फैक्टर एंड बायोलॉजिकल फैक्टर ये तीन फैक्टर जो हैं अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज़म अगर ये फैक्टर्स तीनों अफेक्ट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इन एनी पॉसिबल वे एनी पॉसिबल वे यानी कि क्या किसी भी तरह से डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो सो उसको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे एनवामेंट कहेंगे इन शॉर्ट एनवायमेंट इज़ द कंडीशन इन द सराउंडिंग यहाँ पर भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं एनवायरमेंट जो है वो क्या कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में अगर पहना है तो एनवायमेंट इज़ द कंडीशन इन द सराउंडिंग सराउंडिंग में जो कंडीशन है उसको क्या कहते हैं एनवायरमेंट कहते हैं इट इंक्लूड्स मेनी बायोटिक अबायोटिक नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स उसमें क्या क्या आते हैं एनवायरमेंट में बायोटिक फैक्टर्स आते हैं अबायोटिक फैक्टर आते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स जो हैं वो आते हैं देयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट दो टाइप्स के एनवायरमेंट रहते हैं वन इज़ अ नेचुरल एनवायरमेंट एंड अदर इज़ अ आर्टिफिशियल एन्वायमेंट दो टाइप के एन्वायरमेंट रहते हैं अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है एनवायरमेंट यानी कि क्या डिफाइन एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट के जो टाइप्स है वो एक्सप्लेन करो तो आपको यहाँ पर लिखना है एनवामेंट यानी कि ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इज़ कॉल्ड एज अ एन्वायरमेंट फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एनी पॉसिबल वे इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड एज अन्वायारमेंट और एनवायरनमेंट के दो टाइप यहाँ पर दिए हैं दैट इज नेचुरल एनवायरनमेंट एंड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है तो चलिए बढ़ते हैं आपने नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 38 नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर एटमॉस्फेयर वाटर लैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह अभी यहां पर हमने पढ़ा कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दो टाइप के एनवायरनमेंट है तो नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन-कौन से फैक्टर आ जाते हैं इसमें आ जाता है एयर एटमॉस्फेयर वाटर लैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सारे जो है कंपोनेंट नेचुरल इन्वामेंट के हैं एक्सेट्रा कंटिन्यूस इंट्रैक्शन ऑकर बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ये तो बात हमने जान ली है कि कंटीन्यूस इंट्रैक्शन रहता है बायोटिक यानी कि लिविंग एंड अबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर्स के बीच में सो देयर इंट्रैक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये इंट्रैक्शन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इज़ आल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बात आपको ध्यान में रखनी है दूसरा जो टाइप है इन्वामेंट का आर्टिफिशियल इन्वामेंट तो उसका भी इम्पैक्ट नेचर के ऊपर पड़ता है फिर चाहे वो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो बेसिकली एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द टू बेसिक फैक्टर दो बेसिक फैक्टर है यानी फैक्टर्स एंड दूसरा जो है वो फैक्टर। द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज अ इकोलॉजी अभी आपको डेफिनेशन जो है बोर्ड में पूछा जाता है डिफाइन इकोलॉजी इकोलॉजी की डेफिनेशन लिखिए तो इकोलॉजी यानी कि क्या या फिर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपको एम के लिए तो उस वक्त भी आपको लिखना है ये डेफिनेशन जो है द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज अ इकोलॉजी इकोलॉजी आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए वर्ड पूछा जा, जा जा सकता है तब आप यहाँ पर ये वर्ड फिल्स कर सकते हैं ऐसा साइंस जो किससे डील्स करता है यानी कि किससे रिलेटेड है स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन किसके बीच का इंट्रैक्शन हमें देखना है बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ये सारे की वर्ड्स है बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवामेंट एनवामेंट के ये दोनों फैक्टर्स हैं तो उनके बीच का जो इंट्रैक्शन है उसका स्टडी करने वाला जो साइंस है तो उसको क्या कहेंगे हम इकोलॉजी बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज डैश आपको इन द ब्लैंक्स के लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बेसिक फंक्शनल यूनिट जो है इकोलॉजी का स्टडी करने का वो क्या है तो इकोसिस्टम इकोसिस्टम ये एक यूनिट है इकोलॉजी का स्टडी करने का सो so नेक्स्ट है एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द मेनी इकोसिस्टम्स वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम्स इन अर्लियर क्लासेस इसके पहले के क्लासेस में हमने कुछ इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ा है जैसे एट स्टैंडर्ड में आपने बहुत से जो इकोसिस्टम है हैं यानी कि फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है आर्बोरियल इकोसिस्टम है टुंड्रा इकोसिस्टम है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है एक्वाटिक इकोसिस्टम है मराइन वाटर इकोसिस्टम है तो ये बहुत सारे इकोसिस्टम जो हैं उनके एग्जाम्पल्स आपने पढ़े हैं सो so, अ स्मॉल पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम ये जो है स्मॉल पॉन्ड ये भी एक इकोसिस्टम है वेर एज अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम अभी यहाँ पर भी आपको मार्क करके लेना है आपको ये क्वेश्चन जो है वो एम के लिए आता है डैश इज द लार्जेस्ट इको सिस्टम लार्जेस्ट इको सिस्टम सबसे किसे कहा है तो अर्थ को कहा है क्योंकि अर्थ ऐसी इको सिस्टम है लार्जेस्ट इकोसिस्टम जिसके अंदर ये सारे इको सिस्टम जो है जितने भी इको सिस्टम है यानी कि एक्वेटिक हो गया टेरेस्ट्रियल हो गया एरियल हो गया जो कुछ भी इकोसिस्टम है वो सारे इकोसिस्टम हमारे अर्थ के अंदर ही सो so, अर्थ एक बड़ी इकोसिस्टम बन जाता है सो so, इन ब्रीफ बायोटिक एंड ओबायोटिक फैक्टर्स ऑक्यूपाइंग अ डेफिनाइट जोग्राफिकल एरिया एंड देयर इंट्रैक्शन कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द इको सिस्टम इन शॉर्ट उन्होंने क्या बताया है बायोटिक एंड ऑबायोटिक फैक्टर्स जो है वो क्या करते हैं ऑक्यूपाइंग अ डेफिनाइट जोग्राफिकल एरिया डेफिनाइट एक जोग्राफिकल एरिया ऑक्यूपाई करते हैं और उनका जो इंट्रैक्शन है बायोटिक एंड ओबायोटिक फैक्टर्स का तो इंट्रैक्शन जो है वो कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द इको सिस्टम उसके इंट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे कलेक्टिवली एक सिस्टम कहेंगे उसका इंट्रैक्शन जब हो जाता है तो वो इको सिस्टम बन जाता है तो ये आपको यहाँ पर समझना है नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कैन यू रिकॉल के नीचे जो पैराग्राफ दिया है चलिए देखते हैं एनवायरमेंटल बैलेंस इज अंटेन थ्रू द कंटिन्यूअस ऑपरेशंस ऑफ द वेरियस नेचुरल साइकिल्स लाइक वॉटर साइकिल कार्बन साइकिल गैशियस साइकिल्स लाइक अ नाइट्रोजन साइकिल ऑक्सीजन साइकिल एक्सेट्रा एन्वायमेंट का जो बैलेंस है वो किससे मेंटेन किया जाता है ऑपरेशंस ऑफ द वेरियस नेचुरल साइकिल नेचर में अलग अलग तरह के साइकल्स जो है नेचुरल साइकिल्स वो काम करते हैं जैसे कि वाटर साइकिल हो गया कार्बन साइकिल गैसियस साइकिल नाइट्रोजन साइकिल अभी इसमें से जो कार्बन साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल है ऑक्सीजन साइकिल है आपको नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने उसके बारे में डिटेल में पढ़ा है वो किस तरह से काम करते हैं नेचर में एनवायरमेंट में उनका रोल क्या है तो यही चीज़ें आपको टेंथ में बताया है सो so, यहाँ पर ये यह साइकिल जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है एनवायरमेंटल बैलेंस इज़ आल्सो मेंटेन्ड ड्यू टू द वेरियस फूड चेन्स ऑफ द इकोसिस्टम एनवायरमेंट का जो बैलेंस है वो भी अपना जो है मेंटेन किस वजह से किया जाता है तो फूड चेन की वजह से फूड चेन अगर डिस्टर्ब हो गई जैसे आपको पता है फ़ूड चेन अगर डिस्टर्ब हो गई तो पूरा एनवायरनमेंट जो है एनवायरनमेंट का बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा तो चलिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है बॉक्स दिया है तो वो पढ़ते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज़ अ टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है वो इम्पॉसिबल है नेचर के बिना हम रह नहीं सकते नेचर है तो हम जीवित रह सकते हैं नेचर है नेचर की वजह से जैसे आपको पता है हमें ऑक्सीजन मिलता है हमें बाकी के जो फैक्टर्स है टेम्परेचर हो गया या फिर जो कुछ भी ह्यूमिडिटी हो गया जो कुछ भी रेन हो गया ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो नेचर से ही हमें मिलते हैं सो so, नेचर है तो हम हैं इस वजह से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस जो है वो इम्पॉसिबल है विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेचर नेचर नहीं रहेगा तो ह्यूमन भी नहीं रह सकता सो हैंस इट इज़ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू प्रिजर्व द नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस सो इस वजह से ये हमारी एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो हम इस नेचर को क्या करें हम इस नेचर को प्रिजर्व करना चाहिए हमें इस नेचर की केयर करनी चाहिए हमें उसका ख्याल रखना चाहिए नेचर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होने देना है हमें नेचर का बैलेंस जो है वो बिगड़ने नहीं देना है नेचर का बैलेंस बना के रखना है तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इट इज़ सेड दैट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लानट ऑन लीज फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस दिया है आप अगर सोचोगे तो ये सेंटेंस जो है वो बहुत कुछ कह जाता है यानी कि यहाँ पर बताया है कि इट इज़ सेड दैट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लानट ऑन लीज फ्राम अवर फ्यूचर जनरेशन ऐसे कहा जाता है कि ये जो अर्थ प्लानट हम जो यूज़ कर रहे हैं अभी की जो जनरेशन है हम जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं अर्थ पर ये हमने एक लीज पर लिया है लीज़ पर यानी कि क्या रेंट पर लिया है अर्थ पर हम जैसे कि रेंट पर रह रहे हैं अभी रेंट पर किसने दिया है हमें तो फ्यूचर जनरेशन ने यानी कि आने वाली पीढ़ी ने हमें ये रेंट पर दिया है जनरेशन ने उन्होंने हमें ये रहने के लिए जगह जो है या फिर ये प्लानिट जो है वो रेंट पर दिया है ऐसे हमें समझना चाहिए एंड नॉट एज एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम आवर एनसेस्टर तो हमें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए या फिर ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है किसी भी तरह से कैसे भी हम इसे प्लैनेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो ख़त्म करते चले जा रहे ये गलत बात है तो इस वजह से यहाँ पर बताया है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जैसे हमारे पुरखों की दादाजी की जो प्रॉपर्टी है वैसे हमें मिली है उस तरह से हमें बिहेव नहीं करना चाहिए क्योंकि हैंस वी शुड नॉट फॉरगेट टू कंज़र्व इट इस वजह से हमें उसका कंजर्वेशन करना ज़रूरी है फॉर आवर सेल्फ एंड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन अपने खुद के लिए भी और अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अगर आज हम सभी ये चीज़ें ठीक करते हैं उसका कंजर्वेशन करते हैं तो तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं वो अवेलेबल रहेंगी तो तो चलिए आज के इस वीडियो में हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा इकोसिस्टम का एक छोटा सा रिव्यू ले लिया और रिलेशनशिप जो है एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम में किस तरह से हैं उसके बारे में हमने जाना तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तो तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए सीखते रहिए और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें धन्यवाद